हमारी इंग्लिश क्लास के अंदर जहां मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं अपार्ट फ्रॉम यूज अप अपार्ट फ्रॉम के अलावा। कई बार हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं खेलने के अलावा, नाचने के अलावा, घूमने के अलावा। तो मैंने यहां कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, पढ़ाने के अलावा मैं बिजनेस भी करता हूं। तो जो चीज अलावा आएगी वो हम अपार्ट फ्रॉम के बाद लगाएंगे, और अपार्ट फ्रॉम के बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी विच वी कॉल्ड फोर्थ फॉर्म। पढ़ाने के अलावा अपार्ट फ्रॉम टीचिंग मैं बिजनेस भी करता हूं, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग आई डू बिजनेस ऑल्सो। खेलने के अलावा, ये खेलने के अलावा आता है, तो अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग वह कुछ नहीं करता, तो ही डज नथिंग। डींगे मारने के अलावा, डींगे मारने के अलावा अपार्ट फ्रॉम ब्रैगिंग, ब्रैग मतलब डींगे मारना, अपार्ट फ्रॉम बेगिंग राहुल ने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस राहुल हैज डन नथिंग इन हिज लाइफ। सुनने के अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम लिसनिंग यू आर डूइंग नथिंग। बोलने के अलावा अपार्ट फ्रॉम स्पीकिंग हम कुछ नहीं कर सकते, वी कैन डू नथिंग। हम इससे और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे सेंटेंस क्वेश्चन कि आप पढ़ाने के अलावा क्या करते हो, तो अपार्ट फ्रॉम टीचिंग व्हाट डू यू डू, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग व्हाट डू यू डू। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आप इसके क्वेश्चन भी बना सकते हैं, और ये हमारा एक कनेक्टर की तरह यूज होता है, और हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं।